मेरे वालों सारिया नू प्यार भरी सत श्री अकाल। अज आप करांगे 5 लाज ऑफ लाइब्रेरी। जे तुसी मेरी पिछली वीडियो देखी होवे उहदे विच आपां लाइब्रेरी दे 2 नियम कर चुके हैं। अज आपां तीसरे नियम तो स्टार्ट करांगे, लेकिन फिर भी आपां मतलब फस्ट नियम तो एक बारी रिवाइज कर लैने आ। पहला नियम हैगा सी लाइब्रेरी दा, पुस्तकां वरतों लई हन, बुक्स आर फॉर यूज। मतलब पुस्तकां जिहड़ियां इह वरतों लई हन, इह सानूं मतलब यूज़ करके ही असीं इहनां तों नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है, हरेक पाठक नूं उसदी पुस्तक मिलनी चाहीदी है, एवरी रीडर शुड हैव इट्स बुक्स। कि जो भी पाठक है जिसनूं जो भी मतलब बुक चाहीदी है उसनूं उसदी लोड़ अनुसार अपनी बुक मिलनी चाहीदी है। हरेक पाठक नूं उसकी पुस्तक मिलनी चाहीदी है, जो भी उसनूं बुक चाहीदी है। लाइब्रेरी दे विच इन्नियां फैसिलिटीज़ होनियां चाहीदियां ने कि उसनूं अपनी लोड़ी दी बुक है जिहड़ी उह मिल जावे। थर्ड नियम हैगा साडा, जदों आपां स्टार्ट करना है, हरेक पुस्तक नूं उसदा पाठक मिलना चाहीदा है, एवरी बुक शुड हैव इट्स रीडर। मतलब हरेक पुस्तक नूं उसदा पाठक मिलना चाहीदा है। इस नियम विच पुस्तकां ते बहुत ज़्यादा जोर दिता गया है, पुस्तकां नूं उहनां दे पाठकां तक पहुँचाउण लई सारियां सुविधावां होणियां चाहीदियां हन। हरेक लाइब्रेरी विस्तार रूप विच होणी चाहीदी है, मीनस के साडी लाइब्रेरी दे विच सारियां सुविधावां होणियां चाहीदियां हन तां कि जो भी पाठक नूं बुक जिहड़ी भी चाहीदी होवे उसनूं मिल जावे। तेड़ा लाइब्रेरी दा विस्तार रूप होणा चाहीदा है, तां उह ब्रॉड रूप दे विच होणी चाहीदी है तां कि जो नीडी परसनस ने उन्हां नूं मतलब घट टाइम दे विच अपनियां बुक्स मिल जाण। फोर्थ हैगा जी साडा, पाठक दे समें दी बचत, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। कि पाठक दे समें दी बचत होनी चाहीदी है, पाठकां दे समें दी बचत ते जोर दिता गया इस नियम दे विच। सारियां पुस्तकां नूं तरतीबवार ढंग नाल रख्या जावे तां कि पाठक अपनी लोड़ी दी पुस्तक आसानी नाल लभ सके। जेकर साडियां पुस्तकां जिहड़ियां उह लाइब्रेरी दे विच तरतीबवार ढंग नाल ही ना होणगियां, उत्थे कोई बिबलोग्राफी नहीं होनी, तां साडा पाठक है जिहड़ा उह अपने समें दी बचत नहीं कर सकदा, क्योंकि उसनूं अपनी बुक है जिहड़ी उह टाइम दे अकॉर्डिंग नहीं मिलनी। लाइब्रेरी विच सारियां सुविधावां होणियां चाहीदियां हन, अते प्रशासनिक सुधार ते वी इस नियम विच की है जोर दिता गया है। अगला है, लाइब्रेरी इक ग्रोइंग संस्था है, लाइब्रेरी इज़ आ ग्रोइंग ऑर्गेनिज़म। जां आपां पंजाबी दे विच कह सकते हैं लाइब्रेरी एक प्रगतिशील संस्था है। इहदे विच रंगानाथन ने ऑर्गेनाइजिंग वर्ड का प्रयोग किया है, नहीं तो वह ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रयोग कर सकता सीगा। उन्हें इसलिए नहीं किया क्योंकि वह एक लाइब्रेरी नूं जीवित संस्था मानता है। वह कहिंदा कि लाइब्रेरी हमेशा जिउंदी आ। आपां पढ़ के भी देखते हैं, इस विच रंगानाथन ने ऑर्गेनाइजेशन वर्ड का प्रयोग नहीं किया क्योंकि वह लाइब्रेरी नूं एक जीवित संस्था मानते हैं। ऑर्गेनिज़म का प्रयोग एक जीवित चीज़ों लिए किया जाता है, जिस तरह शिशु का विकास होता है हौली हौली वह वड्डा होता है, उसी तरह लाइब्रेरी विच भी पुस्तकां विच शब्दावली का विकास होता रहता है। हौली हौली जिहड़ियां लाइब्रेरियां ने पहलां वह इलैक्ट्रॉनिक नहीं सन, उन्हां दा विकास हुंदा गया, अजकल कुछ लाइब्रेरियां इलैक्ट्रॉनिक भी बन गईयां। इसे तरह जिहड़ियां लाइब्रेरियां ने वह हौली हौली उन्हां दा भी शिशु दे वांगू ही विकास हुंदा जा रहा है, उन्हां दे विच शब्दावली भी वधदी जा रही है, उन्हां दा रूप भी मतलब बदलदा जा रहा है। पहलां जिहड़ियां लाइब्रेरियां सीगियां इलैक्ट्रॉनिक नहीं सन, हुण जिहड़ियां लाइब्रेरियां ने साडियां वह इलैक्ट्रॉनिक हो गईयां। इह सीगे लाइब्रेरी दे 5 लाज। जे तुहानूं वधिया लगे ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਾਂ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ।